हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इंडियन मैप के फर्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य के बारे में, भारत के समुद्र तटीय राज्य को देखेंगे। इसके साथ ही सूर्य के लंबवत चपकने के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं इन सब के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले जो भी मैं बोलूँगा आपको क्या करना है, जहाँ पे आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको बोलना है। आपको बोलने में शर्माना नहीं है। अगर आप शर्माते हैं तो कहीं आप एकांत में जाके ये काम कर सकते हैं। मैं जो जो राज्य बोलता जाऊँगा आपको वो साथ में बोलना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्क रेखा से कौन कौन से भारत के राज्य गुजरते हैं। तो देखिए, कर्क रेखा ही एकमात्र ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, या यूं कहें कि भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा भारत से, मैं आपके सामने बना देता हूँ कहाँ से गुजरती है। देखिए, अब देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि आप बताइए भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा पूरब से पश्चिम के क्रम में कौन से राज्य से होकर गुजरती है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं, हम लोग देखेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम देखेंगे। आपको तो ये पता होगा ना, ये मैं आपको वर्ल्ड मैप की क्लास में बता दिया था कि दिशा कैसे जाना जाता है। देखिए, ऊपर होता है उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ठीक है, ये दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आपने वर्ल्ड मैप की क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो वर्ल्ड मैप की क्लास जाके आप देख लीजिए, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। और बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सा बुक से हम इसे पढ़ें, तो आप लोग इसके लिए ऑक्सफोर्ड का 9th एडिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊँगा आपको किसी एक बुक से इसे तैयार कर लेना है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, ये है गुजरात, 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 ये है राजस्थान, गुजरात। अब आप बोलते जाइए, जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपको बोलना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मैंने आपको इतना बता दिया। अब हम देखेंगे पश्चिम से पूरब क्रम कि सबसे पहले पश्चिम में कहाँ से गुजरते हैं, फिर कहाँ से, फिर कहाँ से, फिर कहाँ से, ऐसे करते करते हम पूरब तक के 8 राज्यों को देखेंगे। तो सबसे पहला राज्य, पश्चिम राज्य है गुजरात। गुजरात आप बोलते जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि जब आप देखेंगे तो ये आप देखिए, यहाँ गुजरात से एकदम ऊपर से, गुजरात के एकदम ऊपरी भाग से ये निकलता है कर्क रेखा। और यहाँ पे अगर आपको अपने दिमाग में मैप की प्रिंटिंग भी करना है, आप देखेंगे तो राजस्थान से बस थोड़े से ही भाग में, इतने से ही क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको अपने दिमाग में ये भी ध्यान में रखते हुए चलना होगा। पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, याद करते बोलते चलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप बोलते जाइए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर आप यहाँ पे देखेंगे चौथा राज्य है, ये है चौथा जो है, चलिए वहाँ पे देखते हैं। ये चौथा जो है यहाँ पे है छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। तो आप बोलेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
ठीक है, आप बोलते जाएंगे, ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पे आएगा झारखंड, ठीक है, यहाँ पे आएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ये है झारखंड, झारखंड। तो आप बोलेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। अब तक हमने कितने राज्य देख लिए? हमने अभी तक 5 राज्य देख लिए। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। इसके बाद आएगा, ये है पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल। तो हम फिर से बोलेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर से आप आंखें बंद करेंगे, आपके पास मैप का बुक होना चाहिए, ठीक है। आप कल तक मैप का बुक ले लेंगे, जिससे आप, जब मैं यहाँ पे बोलता जाऊंगा, तो आप अपने मैप के बुक में देखेंगे, वहां पे आपको आसानी से दिखाई देगा, वहां पे आप देखेंगे और बोलते जाएंगे कौन कौन से राज्य हैं। पहला पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो अभी तक हमने कितने राज्य देख लिए? अभी तक हमने देख लिए 6 राज्य। अब उसके बाद आएगा यहाँ पे आएगा त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप लोग फिर से बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको याद हुआ या नहीं। फिर से हम बोलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम से पूरब का क्रम बताइए, कर्क रेखा भारत से गुजरती है, इसका आप पूरब से पश्चिम का क्रम बताइए। अगर आपसे पूछा जाए पूरब से पश्चिम का क्रम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे, जल्दी बताइए, आप लोग पहले बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले 8वें नंबर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सा? तो आपके मन में, आपके दिमाग में इसकी प्रिंटिंग होनी चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ना है, जिसे आपको समझ में आ जाए। तो क्या है ये? ये है, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पूरब से पश्चिम, तो आप बताएंगे मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। क्या बताएंगे? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पूरब से पश्चिम, अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम से पूरब बताइए, तो आप बताएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पे 5-10 बार कम से कम इसे बोलते जाइए, और मन में अपनी प्रिंटिंग करते जाइए, इसका मन में आप एज्यूम करिए, मैप को ध्यान से देखिए और एज्यूम करिए कि राजस्थान से बस थोड़े से ही, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से बीचों बीच गुजरती है, आप ऐसे देखते जाएंगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के एकदम ऊपर से गुजरती है, झारखंड थोड़ा सा ही इसके पास से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से जाती है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो आप लोग ऐसे बोलते जाएंगे और अपने मन में इसकी प्रिंटिंग भी करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बोलेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, सॉरी, पहले बोलेंगे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। ऐसे आप बोलते जाएंगे जल्दी से। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पूरब से पश्चिम, तो बोलेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। बोलते जाइए, आप याद करिए जल्दी से, जिससे आपको यहीं पे याद हो जाए। इसके बाद आप जाके सीधे मैप में, अपने बुक में देखेंगे और याद करेंगे, और इसे अपने मन में प्रिंटिंग बनाएंगे। इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड एटलस की बुक लेना है, या आप कोई भी मैप की बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ आगे देखते। अभी तक हमने देख लिया कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य, तो कितने राज्य हैं? 8 राज्य। तो अगर आपसे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब का क्रम पूछा जाएगा, तो
आई होप आप बता ले जाएंगे। अगर आप इतना बता ले जाएंगे, आपको इतना याद हो गया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मेरे मन में भी और यहाँ पे शायद कुछ लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर देखिए, यहाँ बीच में एक और कंट्री है जिसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। ये है, देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक कंट्री है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये कौन सा कंट्री है? ये है बांग्लादेश, लेकिन इसका तो हमने नाम ही नहीं लिया। कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है। जब मैं भी पहली बार पढ़ा था ये, तो मेरे भी मन में ये क्वेश्चन आया था कि यहाँ से भी तो कर्क रेखा गुजर रही है, लेकिन इसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो आप ध्यान से समझेंगे, मैंने आपसे कहा था कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि ये जो बांग्लादेश है ये भारत में नहीं आता, ये एक अलग कंट्री है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम भारत में नहीं लिया जाता, ये एक अलग कंट्री में आ जाता है। तो आई होप अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा तो अब नहीं आएगा, दूर हो गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से बोलेंगे, पश्चिम से पूरब के क्रम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या है, भारत के समुद्र तटीय राज्य। चलिए हम भारत के समुद्र तटीय राज्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसे सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए जल्दी से इसे मिटाते हैं, मिट जाओ जल्दी से। उसके बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि भारत के समुद्र तटीय राज्य। समुद्र तटीय राज्य का मतलब है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा गुजरात। ये है गुजरात, सबसे पहले नंबर पे आएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात पूछा जाए भारत के समुद्र तटीय राज्य में, सबसे पहले गुजरात। गुजरात आप लोग बोलते जाएंगे गुजरात 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 महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे है कर्नाटक, यहाँ आप देखेंगे ये है कर्नाटक, ये है कर्नाटक, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल। आप बोलेंगे गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे एक दो के बाद सीधे चार और पांच लिख दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये हो गया गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र, ये हो गया कर्नाटक केरल। यहीं पे तीसरे नंबर पे एक और राज्य आता है, रुक जाइए आपको दिखाते हैं। तीसरे नंबर पे एक और राज्य आता है यहीं बीच में, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बीच में एक और राज्य आता है यहीं पे, ये है गोवा। गोवा कौन कौन सा है? ये है गोवा, ये है कर्नाटक और ये है केरल। ठीक है, तो हम फिर से बोलेंगे, कैसे याद करेंगे? गुजरात महाराष्ट्र, जल्दी से, गुजरात महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। तो हम सबसे पहले ये दो बड़े हैं और ये दोनों भी बड़े हैं। कौन कौन से बड़े हैं? एक गुजरात महाराष्ट्र और ये दोनों कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल। तो हम सबसे पहले बोलेंगे गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक केरल। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि बीच में यही एक पांचवा राज्य भी है जिसका नाम है गोवा। गोवा, ठीक है, तो हम बोलेंगे गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। ठीक है, आप लोग बोलते जाएंगे, जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप याद करते जाएंगे। ठीक है, ये तो अभी हमने देख लिया पांच राज्य, अब आगे देखते हैं। ये है छः, ये कौन सा है? ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, यह है तमिलनाडु, यह है आंध्र प्रदेश। तो आप बोलते जाएंगे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो बोलिए एक बार फिर से, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो है येलो रंग का, ये है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। तो आप फिर से बोलेंगे गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पे है त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम।
ठीक है, ये लेकिन ये मिजोरम जो है, मिजोरम ध्यान आप देखिए, ये मिजोरम जो है, ये मिजोरम जो है ये समुद्र तटीय राज्य में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहीं से म्यांमार शुरू हो जाता है और म्यांमार जो है वो समुद्र से सटा है, ना कि मिजोरम, ठीक है। इसलिए यहीं तक ही, त्रिपुरा तक ही आएंगे, त्रिपुरा तक ही समुद्र तटीय राज्य में आएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल कर्नाटक, गोवा महाराष्ट्र, गुजरात। आप लोग ऐसे 3 से 4 बार बोलेंगे, ठीक है, 3 से 4 बार बोलेंगे, आपको ये याद हो जाएगा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। ऐसे आप बोलेंगे, आपको भी याद हो जाएगा, बोलते जाइए बोलते जाइए, ठीक है। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जल्दी से, और आप लोग बोलते जाएंगे, अगर आप लोगों को याद हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सूर्य के लंबवत चमकने के बारे में, चलिए देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए आप है पूरा वर्ल्ड, ठीक है, और यहीं बीच से ही जाता है हमारा विषुवत लाइन, कौन सा, विषुवत रेखा, और फिर ये है मान लीजिए यहाँ पे है, यहीं पे है, रुक जाइए मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन सही से बन नहीं रहा है इस पे, फिर से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार, ठीक है, जल्दी से आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, जल्दी से जल्दी से, बस इतना मैं बना देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा, और यहीं से ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा ये यहीं से गुजरती है, ठीक है, और ये है मकर रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। अगर आप इन सब के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो आप जाके वर्ल्ड मैप की पहली दूसरी क्लास देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल से इन सब के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये देखिए ये है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चमकता है, ठीक है। तो देखिए ये है कर्क रेखा, तो जब सूर्य आएगा, सूर्य किधर से आएंगे, सूर्य देवता की रोशनी किधर से आएगी, पूरब से आएगी, ठीक है, तो पूरब से आएगी, तो देखिए यहाँ से जब आएगी तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, मकर रेखा से कर्क रेखा तक जा सकते हैं, तो जब यहाँ जाएंगे तो लंबवत रहेगा, यहाँ जाएंगे तो लंबवत, लंबवत का मतलब आप समझते हैं ना, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मतलब कि मान लो जब सूर्य देवता यहाँ पे हैं तो उनकी रोशनी ऐसे सीधे जाएगी, और जब सीधे जाएगी तो उसी को हम बोलते हैं लंबवत जाती है, ठीक है, और कर्क रेखा तक लंबवत जाएगी, कर्क रेखा तक लंबवत जाएगी, उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू कर देते हैं, नीचे का मतलब कहाँ पर आना शुरू कर देते हैं, फिर वो यहाँ पे कहाँ, मकर रेखा पर आना शुरू कर देते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कर्क रेखा तक, जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक उनकी रोशनी लंबवत जाती है, उसके बाद फिर कर्क रेखा तक जब वो जाएंगे, फिर वहाँ से जब वो नीचे आएंगे फिर वो मकर रेखा पर चले जाएंगे, और यानी कर्क रेखा के ऊपर उनकी रोशनी तिरछी जाएगी और मकर रेखा के नीचे उनकी रोशनी तिरछी जाएगी, बाकी के भाग में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उनकी रोशनी लंबवत जाएगी, लंबवत का मतलब कि सीधे जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए हम देखते हैं कर्क रेखा, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि कर्क रेखा तक सूर्य देवता की रोशनी सीधे जाएगी, सीधे, ठीक है, यानी लंबवत जाएगी। प्रश्न सुनिए, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन से राज्य में, जैसे मैं 4 राज्य दे दिए गए, जैसे मैं आपको दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए यूपी, यूपी और एक महाराष्ट्र, यूपी महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक केरल, ये 4 राज्य हो गए, कौन कौन से, यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक केरल, ये है, देख लीजिए आप यहाँ पे है, ये है यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक केरल,
ये है ना। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में सूर्य की रोशनी लंबवत नहीं चमकती है। जल्दी से आप बताइए कौन से राज्य में सूर्य की रोशनी लंबवत नहीं चमकेगी, जल्दी से बताइए। अगर आपको पता चल गया है तो अभी जाके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। जल्दी से जाइए और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन से राज्य में सूर्य की रोशनी लंबवत नहीं चमकेगी। जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको पता चल गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कर्क रेखा तक सूर्य की रोशनी आती है, कर्क रेखा तक सूर्य देवता खुद ही आते हैं। जब खुद ही आएंगे तो यहाँ सामने ही इनकी रोशनी लंबवत पड़ जाएगी। बाकी इसके ऊपर मैंने आपसे कहा कि सूर्य की रोशनी ऐसे तिरछी जाती है, यहाँ पे सूर्य देवता नहीं आते, उनकी रोशनी जाती है लेकिन वो भी तिरछी। और यहाँ पर भी, यहाँ सब तो यहीं से तो सूर्य देवता आए हैं ऊपर, तो यहाँ सब भी इनकी रोशनी सीधे जाएगी। अरे सूर्य देवता यहाँ अचानक थोड़ी ना प्रकट हो गए, वो आए तो नीचे से ना, यहाँ से ऐसे आए, क्योंकि इसके नीचे होगा फिर कहीं, यहीं कहीं होगा विषुवत रेखा, फिर उसके नीचे मकर रेखा। तो जब सूर्य देवता मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में रहते हैं, तो अगर कर्क रेखा पे आए हैं तो इसी के बीच में से तो आएंगे ना, इसी के ये जो नीचे है इसके, इन सब से होते हुए तो जाएंगे ना कर्क रेखा तक। तो अगर इन सबसे होते हुए जाएंगे तो इन सब पे फिर इनकी रोशनी लंबवत पड़ेगी। तो आपसे पूछा गया है कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में से कौन से राज्य में सूर्य देवता की रोशनी लंबवत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, महाराष्ट्र जो है ये कर्क रेखा के नीचे है, कर्नाटक भी नीचे है और केरल भी नीचे है। जब सूर्य देवता मकर रेखा से होते हुए, मकर रेखा से विषुवत रेखा से होते हुए जब कर्क रेखा तक जाएंगे, तो उनकी रोशनी उसके सामने जितने भी राज्य पड़ेंगे वहाँ सब लंबवत होते जाएगी। तो इस प्रकार से सिर्फ इसमें से एक ही राज्य है जिस पर सूर्य देवता की रोशनी जो है, किरणें जो है, वो लंबवत नहीं पड़ेंगी, और वो राज्य है यूपी, ठीक है। यूपी में सूर्य देवता की रोशनी लंबवत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है और कर्क रेखा के ऊपर सूर्य देवता नहीं जाते, वहाँ पे उनकी रोशनी जाती है लेकिन वो भी तिरछे में जाती है, ठीक है। और आप, चलिए आपके लिए भी एक प्रश्न दे देते हैं, आपको उसमें बताना है, उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें मैं आपको चार राज्य फिर से देता हूँ और आपको बताना है कि किस राज्य में सूर्य देवता की रोशनी दो बार चमकती है, किस राज्य में सूर्य देवता की रोशनी दो बार चमकती है, जल्दी से बताइए। देखिए, एक हो गया, मैं आपको बता दे देता हूँ, गुजरात। चलिए इसका मैं जवाब दे दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। एक हो गया गुजरात, दूसरा हो गया केरल, दूसरा हो गया केरल, ठीक है, तीसरा हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, और चौथा हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो मैंने आपसे क्या पूछा, कौन से राज्य में सूर्य देवता की रोशनी दो बार लंबवत चमकती है, ठीक है, कौन से राज्य में सूर्य देवता की रोशनी दो बार लंबवत चमकती है? आपको ये बताना है। तो देखिए, हम जल्दी से आपको ये बता देते हैं, गुजरात। देखिए, जब सूर्य देवता यहाँ पे आएंगे कर्क रेखा, तो यहीं पे आ जाएंगे और यहीं कर्क रेखा पर ही गुजरात पाया जाता है। जब सूर्य देवता यहाँ पे आ जाएंगे तो बस यहाँ पे एक ही बार आ पाएंगे, यहाँ जैसे आए बस तब तो लंबवत चमक गया, उसके बाद फिर सीधे यहाँ से चले जाएंगे। यानी अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में लंबवत केवल एक बार ही चमका जाएगा, मतलब केवल एक बार ही सूर्य की रोशनी गुजरात में लंबवत चमकेगी, ठीक है, एक बार ही चमकेगी। वहीं अगर हम बात करें केरल में, तो जब सूर्य देवता यहाँ, ये है मकर रेखा, अगर आप देख पाएँ ये है मकर रेखा, यहाँ से जब, एक बार मैं ये सबको मिटा देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ जल्दी से। देखिए, ये है मान लीजिए, ये है विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। जब सूर्य देवता मकर रेखा से कर्क रेखा तक जाएंगे तो फिर इन सब से होते हुए जाएंगे, और जब इन सब से होते हुए जाएंगे तो जब जाते समय एक बार फिर लंबवत चमकेंगे, उसके बाद फिर आते हुए भी लंबवत इन सब पे चमकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये जितने भी कर्क रेखा से नीचे के राज्य हैं, यहाँ पे सूर्य देवता की रोशनी दो बार चमकेगी, एक एक बार तो जाते हुए और एक बार आते हुए। लेकिन अगर हम कर्क रेखा पर जितने राज्य हैं उनकी बात करी जाए तो उन पे एक ही बार चमकेगी। कैसे?
क्योंकि जैसे ही वहां पे पहुंचेंगे सूर्योदय, वहां पे तुरंत चमक जाएंगे, उसके बाद वो तुरंत ही नीचे चले जाएंगे, फिर वहीं पे नहीं चमक पाएंगे दोबारा, इसलिए वहां पे सिर्फ एक ही बार चमकेंगे, और बाकी के जितने नीचे राज्य हैं इन सब पे दो दो बार चमकेंगे। इस प्रकार जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसमें सिर्फ गुजरात ही ऐसा राज्य था जहाँ पे सूर्य देवता की रोशनी एक बार लंबवत चमकेगी, बाकी के जितने तीनों राज्य आपको दिए गए थे उसमें दो दो बार चमकेंगे। अब आपका प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब, कि एक तो हो गया एमपी, दूसरा यूपी, तीसरा तीसरा तमिलनाडु, तमिलनाडु और चौथा है एपी यानी आंध्र प्रदेश। आपको इसमें बताना है कि सूर्य देवता की रोशनी कितनी बार चमकेगी, ठीक है? सूर्य देवता की रोशनी कितनी बार लंबवत चमकेगी, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है गाइस? तो आज हमने देखा कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के कितने राज्य हैं, सबका हमने याद करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हमने देखा भारत के समुद्र तटीय राज्य कौन से हैं, उसके बाद हमने देखा सूर्य के लंबवत चमकने के सिद्धांत के बारे में। तो इस प्रकार आज हम इतने टॉपिक के बारे में सीखे। तो आप लोग जाके घर पे, अभी आप लोग घर पे ही हैं, आप लोग घर पे अब ये क्लास जैसे देखने के बाद आप तुरंत इसका रिवीजन फिर से करेंगे, और पुनः जैसे मैंने आपको बताया था फिर से आप रिवीजन करते जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा तक ही यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे आप पढ़ेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे ही आप याद करेंगे। जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा आप नहीं उठेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज का ये वीडियो यहीं पे फिर रोकते हैं। अगर आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।